यूपी की 10 विधानसभा सीटों को लेकर जबरदस्त लड़ाई, एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष। उपचुनाव पर कांग्रेस, सपा और बसपा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, अखिलेश के लिए क्यों मायने रखता है बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस की ओर से कानपुर के सीसामऊ सीट के लिए अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। मीरापुर सीट के लिए इमरान मसूद पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। कुंदर की सीट के लिए सांसद राकेश राठौर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं गाजियाबाद सीट के लिए बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया पर्यवेक्षक का जिम्मा संभालेंगे। कांग्रेस ने मझवा सीट के लिए विधायक वीरेंद्र चौधरी, फूलपुर के लिए सांसद उज्जवल रमण सिंह, कटहरी सीट के लिए पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए पूर्व एमएलए अखिलेश प्रताप सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। खैर सुरक्षित सीट पर पूर्व विधायक राजकुमार रावत पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। करहल सीट के लिए रामनाथ सिकरवार को पर्यवेक्षक बनवाया गया है। कांग्रेस ने सभी 10 सीटों के लिए पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मझवा, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। शिवपाल यादव को कटहरी की जिम्मेदारी मिली है। अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य नेताओं की भी जिम्मेदारी तय की गई है। आमतौर पर उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बीएसपी भी इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2012 के बाद पहली बार होगा जब बीएसपी विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती भी इसे लेकर एक्शन मोड में है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अमित वर्मा और जितेंद्र भैया को बसपा प्रभारी बनाया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ अमित वर्मा और उनके पिता रामकेश वर्मा ने मायावती से मुलाकात की। सपा के लिए यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बहुत मायने रखते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी यह साबित करना चाहती है कि लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था। सपा नेता तेज नारायण और पवन पांडे ने कहा, हम तो सुने ही नहीं कि कहीं भाजपा जिंदाबाद का नारा लगता हो, भाजपा बची ही नहीं है। माइक्रोस्कोप से देखने पर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती कि भाजपा कोई चीज है। अभी लोकसभा में उत्तर प्रदेश की महान और देवतुल्य जनता ने उनकी प्रतिष्ठा को तार तार किया, उनको हराकर उनकी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ाई। चलिए अब आपको कटहरी और मिल्कीपुर के जातीय समीकरण से वाकिफ कराते हैं। मिल्कीपुर में लगभग 65,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 22,000 कोरी, 15,000 हरिजन, 25,000 क्षत्रिय, 23,000 मुस्लिम, 20,000 चौरसिया, 17,000 बनिया और 55,000 यादव मतदाता हैं। सुरक्षित सीट होने के कारण सभी पार्टियों के प्रत्याशी दलित बिरादरी से होंगे। इस बार बीएसपी और चंद्रशेखर रावण भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब इस जातीय समीकरण को देखते हुए भी सीएम योगी ने यह सीट अपने हिस्से में क्यों ली, ये समझ से परे है। कटहरी विधानसभा सीट पर कुल 18.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 4 लाख दलित और 3,70,000 मुस्लिम हैं। इसके अलावा 1,78,000 कुर्मी, 1,70,000 यादव, 1,35,000 ब्राह्मण और 1,00,000 ठाकुर मतदाता है। इसीलिए मिल्कीपुर और कटहरी का चुनावी गणित और समीकरण दिलचस्प होने वाला है। इसी के अनुसार पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं।